Hello friends, my name is Shubham Singh. Again, welcome you in the Mark Mac channel. So today is also be the most important topic. और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं challenges. जो challenges आते हैं marketing, service marketing के अंदर जो challenges आते हैं आज उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. तो बहुत ज़्यादा important है इसको समझना, because I just find out that more in our country 30-40% will be the consultancies will be theirs, or the such there are the many of our businessmen who are having this business जहाँ पर वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो इसके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, मार्केटिंग चैलेंजेस हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सर्विस किसकी अगर मैं जब बात करता हूँ, तो जब हम कोई सर्विस कोई बिजनेस में है जहाँ पर हम लोग इंटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट हमको कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आज हम लोग उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे. आज हम 6 पॉइंट्स की बात करेंगे दैट व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय द सर्विस मार्केटिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग इनटेंजिबल. जैसे कि मैंने अभी बताया दैट सर्विस के अंदर क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है वो हार्ड कोर प्रोडक्ट नहीं होता है. वो जो सर्विस है वो आपकी इनटेंजिबल है. तो आपका जो कस्टमर है वो आप पे स्टक तभी रहेगा जब आप उसको एक्सपीरियंस एक फील देंगे एक अच्छी सर्विस का, तभी वो एक स्टक रह पाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव टू बी गिव अ प्रॉपर सर्विस. और वो इंटेंजिबल नेचर होने की वजह से ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है जो हमारे जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी का हो, चाहे वो रेस्ट्रो सर्विस हो या हॉस्पिटलिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इंटेंजिबल होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है. सेकंड हम लोग बात करते हैं मेंटेनिंग द क्वालिटी. मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि क्वालिटी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है जब हम लोग सर्विस की बात करते हैं. क्यों चैलेंजिंग टास्क होता है? बिकॉज आप अगर एक गुड्स को आप सेल कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्वालिटी मेंटेन या कंसिस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन जब आप एक सर्विस को जब आप सेल कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है कि आप उसको कंसिस्टेंट रख पाओ. तो जब आप कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती उसके अंदर, तो जो हमारा जो क्वालिटी है हम उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते. तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी सर्विस अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो उसको कंसिस्टेंट रखें. अगर वो कंसिस्टेंसी अगर उसके अंदर होगी तो ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी और जो ट्रस्ट है वो कस्टमर का, वो हमें इजीली हम उसको गेन कर सकेंगे. ठीक है, डेवलपिंग ट्रस्ट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ड्यू टू दैट काइंड ऑफ यू नो बहुत ज़्यादा कंसल्ट बहुत ज़्यादा सर्विसेज के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो फेक थिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर आ गई हैं. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डेवलप करें, ट्रस्ट को डेवलप करें. और वो ट्रस्ट डेवलप कब होगा? ब्रांड. जब आप अपना जो सर्विस है उसको एक ब्रांड बनाएंगे, और ब्रांड के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो ब्रांड है उसको आप बना सकते हैं, किस तरीके से जो ट्रस्ट है कस्टमर का वो आप उसको गेन कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली जब आपका जो सर्विस है वो वेल नोन होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो क्लाइंट और जो कस्टमर है वो उस पर ट्रस्ट करेगा. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डेवलप्ड करें ट्रस्ट कस्टमर और कंज्यूमर माइंड के अंदर. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा कंपटीशन. जैसा कि हमको सबको पता है कि कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा फार्म्स ऐसी हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो डिफरेंट सर्विसेज, तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते. ठीक है, और जो कस्टमर है जो पोटेंशियल कस्टमर है वो भी नहीं मिल पाता. तो ये भी काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है सर्विस मार्केटिंग के अंदर. फिर हम लोग बात करते हैं एम्फेसाइजिंग सर्विस इंस्टेड ऑफ फीचर. बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे जो सर्विसेज जो कर रहे हैं, जो हमारे जो बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेनर्स हैं, जो सर्विस में कर रहे हैं, वो एम्फेसाइज अपनी सर्विसेज को लेकर नहीं करते. वो लोग फीचर्स देखते हैं या फिर उसके अंदर कुछ ज़्यादा वेरिएशन लाते हैं कि हम लोग ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन जो उसकी वजह से जो उनका जो कोर जो सर्विस है उस कोर सर्विस को वो लोग छोड़ देते हैं, और जो दूसरी सर्विस है उसको जब वो लोग प्रोवाइड करने की जो कोशिश करते हैं, तो जो क्वालिटी है कोर जो क्वालिटी है वो कोर क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती. दैट इज़ द रीज़न जो वो लोग सर्विस क्वालिटी है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते. एंड ड्यू टू दैट रीजन्स
ये भी एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है और काफ़ी चैलेंजिंग थिंग है कि जो आपकी जो सर्विस है आप उसको कंसिस्टेंटली आप उसको नहीं रख पाते, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर सर्विस मार्केटिंग में अगर हमको एक एक इंटेंसिफाइड करना है बिजनेस, तो क्रिएटिंग नीड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वी शुड वेरी नो, हम कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक नीड को क्रिएट करना, कस्टमर के दिमाग में एक नीड को क्रिएट करना। जब हम कंसल्ट करते हैं किसी को, कोई भी कस्टमर को, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसको नीड बताएं कि इस पर्टिकुलर सर्विस की क्या नीड है और हाउ इट विल बेनिफिशियल्स टू देम इन टू द फ्यूचर। तो आज इन सारी चीज़ों की आज हम लोगों ने बात करी कि कौन कौन से जो टास्क हैं, जो कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं वो फेस होते हैं सर्विस मार्केटिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी, मार्केटिंग इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल, उसको आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। फिर है क्वालिटी को मेंटेन हम लोग नहीं रख पाते। फिर तीसरी हम लोग बात करते हैं डेवलपिंग ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से और फेक कंसल्टेंसी होने की वजह से जो ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता। फिर एक्स्ट्रा कंपटीशन कंपटीशन ज़्यादा है। फिर हम एम्फेसाइज नहीं कर पाते हमारे जो सर्विस हैं, हम फीचर्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं लेकिन हमारे जो कोर वैल्यूज है वो पीछे रह जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारा जो सर्विस है वो सर्विस हम लोग एक्यूरेट प्रोवाइड नहीं कर पाते। नीड को जो क्रिएट, हमको नीड जो कस्टमर के दिमाग में, कंज्यूमर बिहेवियर के दिमाग में जो नीड क्रिएट करनी है, कहीं ना कहीं हम वो भी नहीं कर पाते। दैट इज द रीज़न तो हमारी जो क्वालिटी वो मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन जो नीड है उसको क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स की बात करी दैट अगर आप सर्विसेज मार्केटिंग के अंदर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को समझना और इनके ऊपर काम करना। क्योंकि अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड ट्राई टू गिव द एक्सपीरियंस ऑफ अवर कस्टमर्स एंड द क्लाइंट्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ ट्राई टू गेट शेयर इट मोर एंड मोर। एंड अगेन अगेन थैंक्स थैंक्स यू थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स।